जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वर्दी वर्ष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्दी वर्ष में आपकी हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी हिंदी का कौन सा टॉपिक है, वाक्य रचना, क्लास 16 है। 15 तक मैंने आपके टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से करा दिए हैं। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना होती क्या है। तो सबसे पहले वाक्य समझ लीजिए आप, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने बोला वाक्य ऐसे तो होता है, राम स्कूल जाता है, तो दो या दो से अधिक पद होते हैं या शब्द होते हैं, तभी तो सबको मिला के एक वाक्य बनता है। वो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब वाक्य के बारे में, एक वाक्य में क्या क्या होता है, कर्ता होते हैं, कर्म होते हैं और क्रिया पाई जाती है, मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया पाई जाती है एक वाक्य में मुख्यतः। अब आप देख लीजिए वाक्य के अंग या प्रकार या भेद, ठीक है। तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है वाक्य में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कौन स्कूल जाता है, राम, तो राम हो गया उद्देश्य, ठीक है। विधेय होता है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाए, जैसे राम स्कूल जाता है तो राम उद्देश्य हो गया, और जो बचा कुचा है, स्कूल जाता है, ये आपका हो गया विधेय। एक एग्जांपल अभी दूंगी, उससे समझ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको उद्देश्य और विधेय समझाया था ना, उसी का एग्जाम्पल है, काजल खाना खाती है, ठीक है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, खाना कौन खाती है, काजल, तो ये उद्देश्य हो गया, और जो बचा कुचा है आपका, ये आपके विधेय की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। रचना के आधार पर अभी हमने पढ़े थे कि आपके जो वाक्य हैं दो प्रकार के होते हैं, अब रचना के आधार पर वाक्यों के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, साधारण या सरल वाक्य। इसमें नॉर्मल सा, मतलब सिंपल सा वाक्य होगा, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, नॉर्मल होगा, मैं नहाता हूँ, ऐसे नॉर्मल वाक्य होंगे तो आपके साधारण में आ जाएंगे। मिश्र वाक्य में, मतलब एक ही कंडीशन में दो वाक्य जुड़े होंगे, मतलब एक ही इंसान के बारे में दो वाक्य होंगे, ठीक है, वो भी आपको समझा दूंगी। और संयुक्त वाक्य होता है जिसमें आपका साधारण वाक्य भी होगा और मिश्र वाक्य भी होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये काफ़ी सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, ये होता क्या है, अभी बताया था ना आपको, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, उद्देश्य को हम कर्ता भी तो कहते हैं, उद्देश्य और एक विधेय, विधेय मतलब एक क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, तो वो आपके साधारण में आ जाता है, साधारण या सरल, आप समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही इसने बोला है जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, समझ लीजिए एग्जाम्पल से, अमन पढ़ता है, ठीक है, कौन पढ़ता है, अमन, जहाँ कौन की कंडीशन बन जाए तो वो आपके किस में आ जाती है, उद्देश्य में, मतलब ये अमन करता हो गया ना, तो ये उद्देश्य हो गया, ठीक है। एक ही तो क्रिया है, पढ़ता है, तो ये आपके विधेय वाली कंडीशन में आ गया। अब आप पढ़ोगे मिश्रित या मिश्र वाक्य, काफ़ी सिंपल है, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, ठीक है, मतलब एक से अधिक उपवाक्यों से एक ही वाक्य की रचना की गई हो, ठीक है, समझ लो मिश्रित उपवाक्य ही कह रहा है आपसे, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो, एक मुख्य उपवाक्य हो, ये आप देख पा रहे हैं ना, इससे समझाऊंगी आपको, ठीक है, और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो। मुख्य का मतलब जिसके बिना टेंस अधूरा है, इसमें मुख्य उपवाक्य आएगा और एक आश्रित वाक्य आएगा। आश्रित मतलब, आश्रित का मतलब होता है कि ये जो पीछे वाला है इस आगे वाले पे डिपेंड है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, अब अगर ये मालिक ही नहीं कहता तो क्या कल छुट्टी रह जाती, बिल्कुल नहीं रहती,
और एक ही कंडीशन पर बात हो रही है ना, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो देखो ये तो मुख्य हो गया, मुख्य उपवाक्य, और ये जो की है अव्यय में हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अभी फ़िलहाल आप इनको समझ जाइए, अभी आपको बता भी दूंगी कि कौन कौन से अव्यय आ जाएंगे, तो आप उनसे पहचान लोगे कि ये मिश्र या मिश्रित उपवाक्य है। ठीक है, ये अभी लिखा दूंगी। और कल छुट्टी रहेगी, ये भाई इस पे डिपेंड है, इसीलिए इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है मिश्र या मिश्रित उपवाक्य का, एक बार आप देख लीजिए। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब आप मुझे ये बताइए, एक ही इंसान के बारे में दो बातें कही जा रही है ना, एक ही तो इंसान है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान के बारे में दो अलग अलग बातें जोड़ दी जा रही हों। देखो ये जो पीछे वाला वाक्य है आगे वाले पे ही तो डिपेंड हो रहा है। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, यदि वर्दी वेश से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये सब कुछ अगर पीछे वाले से आगे वाला डिपेंड हो जाए तो पीछे वाले को बोल देंगे आश्रित, आगे वाले को बोलेंगे मुख्य उपवाक्य। ठीक है, समझ गए ना। देखो यदि अभी आपको बता दूंगी कि अव्यय कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अव्यय आ जाएं जिससे आप पहचान जाओगे कि ये मिश्रित उपवाक्य है। ये सब कुछ लिखा है ना, आपके लिए ही लिखा है। ठीक है, यदि तो ये अव्यय हो गया, कठिन परिश्रम करोगे। अब भाई मुख्य वाक्य तो आपका यही है, तभी तो आप सफल होंगे। ठीक है, ये आपका मुख्य हो गया, तो आपका अव्यय हो गया, सफल हो जाओगे, आश्रित हो गया, क्योंकि भाई ये वाला इस पर डिपेंड हो चुका है। ठीक है, मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, कि वह, जिसे, जो, ऐसा, तो, यदि तो, यदि तो एक साथ है। ठीक है, यदि तो, उसे, जब तक, एक साथ है। ठीक है, जहां, यद्यपि, तथापि, तक, क्योंकि, इसीलिए, जो, वह, ज्यों ही आदि शब्द आ जाए। अगर ये सारे अव्यय मिश्रित वाक्य को जोड़ रहे हैं, मिश्रित वाक्य से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित उपवाक्य है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट उपवाक्य क्या बचा है, एक बार देख लीजिए। संयुक्त उपवाक्य, मतलब संयुक्त का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग टेंसों को जोड़ देना, या दो अलग अलग कंडीशन हो उनको जोड़ देना। ठीक है, तो बस एक बार देख लीजिए, जिस वाक्य में साधारण व मिश्र वाक्य का मेल हो, मतलब साधारण भी होगा इसमें, इसमें मिश्र भी होगा, जब दोनों ही होंगे, दोनों जुड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, संयुक्त उपवाक्य। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ जाइए, समय बहुत खराब है। ठीक है, समय बहुत खराब है, इसीलिए देख कर चलना चाहिए। देखो एक कंडीशन हो गई, समय बहुत ख़राब है। ठीक है, समय बहुत ख़राब है, अलग कंडीशन है ना, इसीलिए देखकर चलना चाहिए, देखकर चलना चाहिए, अलग कंडीशन हो गई। अब आपको ये दिख रहा है ना, इसीलिए ये है अव्यय, क्या है ये, अव्यय, और दो अलग अलग कंडीशन है, तो ये आपका साधारण उपवाक्य को जोड़ रहा है। अव्यय कौन सा, इसीलिए। अभी आपको ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से अव्यय आ जाएंगे जिससे आप पहचान जाओगे कि ये साधारण उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ आते हो, या ये अव्यय है। ठीक है, मैं वहाँ आऊँ, तुम यहाँ आते हो, ये अलग वाक्य हो गया, या मैं वहाँ पर आऊँ, ये अलग वाक्य हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, संयुक्त वाक्य को जोड़कर रखने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जो संयुक्त वाक्य को जोड़कर रखते हैं, शब्द नहीं अव्यय। ठीक है, कौन कौन से अव्यय हैं जो संयुक्त वाक्य को जोड़कर रखते हैं, और इसीलिए, किंतु, पर, या, क्योंकि, लेकिन, वरन, एवं, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो, आदि। ठीक है, अगर ये सब कुछ आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये हमारा कौन सा वाक्य हो रहा है, संयुक्त उपवाक्य हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, आपको वाक्य रचना की क्लास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।